कंगना रनौत की कांग्रेस के कुछ लोग उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, बीजेपी ने महिला आयोग को शिकायत की है। देखिए, मेरा मानना कि कांग्रेस के लोग अभद्र टिप्पणियों से विश्वास नहीं रखते, और ये लोकसभा के चुनावों में हमें मुद्दों के ऊपर आधारित चुनाव लड़ते हैं, और कंगना को भी बचना चाहिए और लोगों को भी बचना चाहिए। मेरा ये मानना है कि चुनाव में कई प्रकार की बातें उठती है और राजनीतिक बातें होती है। जो हमारा मुद्दा है, आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित हम मंडी पार्लियामेंट सीट रही है, और हमने वहाँ लोगों की सेवा की है। हम उस आधार पर वोट मांगेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने 14 महीने में सरकार का कार्य किया, हम उसके आधार पर वोट मांगेंगे। और हमने वहाँ युवा और प्रत्याशी अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी को उठाया है, चुनाव लड़ा रहे हैं, और वो निश्चित तौर पर अपनी बात जनता के पास रख रहे हैं। लेकिन उन पर भी कोई टिप्पणी करने से कंगना जी को भी परहेज करना चाहिए। पूरी तरह से अलग, क्योंकि कई भाजपा के लोग हैं जो पीपल तंज कस रहे हैं उसके लिए। नहीं, उसमें भाजपा का कहना है, हमने तो जो लोग है वो तो हाथ के निशान पर वोट डालते ना, तो हमने हाथ के निशान को ही आगे लाना है। तो जब प्रत्याशी का चुनाव होगा तो उस हाथ का निशान उनका प्रतिनिधित्व करेगा, प्रत्याशी नहीं, हाथ का प्रतिनिधित्व करेगा। हाथ का निशान जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा वो प्रतिनिधित्व करेगा उस व्यक्ति का। तो विचारधारा के तौर पर अभी हमारे सारे कार्यकर्ता जाकर पंचायतों में जाकर हाथ के निशान पर काम करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के कुछ लोग उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, बीजेपी ने महिला आयोग को शिकायत की है। देखिए, मेरा मानना कि कांग्रेस के लोग अभद्र टिप्पणियों से विश्वास नहीं रखते, और ये लोकसभा के चुनावों में हमें मुद्दों के ऊपर आधारित चुनाव लड़ते हैं, और कंगना को भी बचना चाहिए और लोगों को भी बचना चाहिए। मेरा ये मानना है कि चुनाव में कई प्रकार की बातें उठती है और राजनीतिक बातें होती है। जो हमारा मुद्दा है, आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित मंडी पार्लियामेंट सीट रही है, और हमने वहाँ लोगों की सेवा की है। हम उस आधार पर वोट मांगेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने 14 महीने में सरकार का कार्य किया, हम उसके आधार पर वोट मांगेंगे। और हमने वहाँ युवा और प्रत्याशी अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी को उठाया है, चुनाव लड़ा रहे हैं, और वो निश्चित तौर पर अपनी बात जनता के पास रख रहे हैं। लेकिन उन पर भी कोई टिप्पणी करने से कंगना जी को भी परहेज करना चाहिए।